हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से स्टूडेंट्स, वुमेन, मुस्लिम्स ने और लेबर ने अलग अलग तरीके से स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब आप ये कह सकते हो कि इसमें इसकी वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, जो आप नोट्स लिख रखे उसकी फ़ोटो सीधे डायरेक्ट टेलीग्राम पर डाल देते या पोस्ट में डाल देते। देखो, कई चीज़ें हैं यार, इनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी आपको, सिर्फ देखने से कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझाने से ही वीडियो में तब जाके क्लियर होंगी चीज़ें। दूसरी बात, थोड़े बहुत पैसे कमा लेने दो ना यार, वीडियो बना लूँगा 5-10 मिनट की तो क्या चले जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। स्टूडेंट्स की बात कर, स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे हैं अब, स्वदेशी मूवमेंट की बात कर लेते हैं। ये देखो, स्वदेशी मूवमेंट में सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। बंगाल, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किया, साउथ में भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात, जिन जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया स्वदेशी मूवमेंट में, उनको गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। वुमेन की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल वुमेन अपने घरों से बाहर निकल के आनी शुरू हो गई, और अब से स्वदेशी मूवमेंट से वुमेन का पार्टिसिपेशन अपनी चरम सीमा पे था, एक सिग्निफिकेंट रेट नज़र आई। मुस्लिम्स की बात करते हैं तो आपको पता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, तो मुस्लिमों को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए अंग्रेज़ों ने पार्टीशन किया था, तो कुछ मुस्लिम्स खुश हुए थे कि हाँ हमको अलग मिल जाएगा, कुछ नाराज़ थे कि नहीं हमको इसी के अंदर रहना। तो जो ब्रिटिश की चाल थी उस वजह से ये थोड़े से कारगर रही। पूरे जो ओल्ड सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स था उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मौलाना आज़ाद और कुछ और अदर मुस्लिम्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नवाब सलीमुल्ला जो थे ढाका के, वो पार्टीशन को सपोर्ट करते आए, यानी अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते आए, और इन्होंने तो मूवमेंट में तब पार्टिसिपेट किया ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मौलाना आज़ाद जैसे लीडर्स ने सपोर्ट किया, देश को सपोर्ट किया, पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया, लेकिन जो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका थे उन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया। और मुस्लिम लीग यहाँ से स्टार्ट हो गई। आगा खान शायद 1907 में लाए थे आगा खान मुस्लिम लीग को, तो यहाँ से मुस्लिम लीग स्टार्ट हो गई। लेबर की बात करते हैं तो देखो, लेबर की बात करें तो इनिशियल जो प्रोटेस्ट था वो बेसिकली था राइस राइजिंग प्राइजेज और रेशन इंसल्ट, जो इंसल्ट करते थे ना अंग्रेज कि भारतीय मजदूर अलग हैं और जो ये जो भारतीयों का थोड़ा सम्मान कमी करते थे, जो रेसिज्म के नाम पे इंसल्ट करते थे, उस पे थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्राइक शुरू हुई, प्रोटेस्ट शुरू हुई। और फिर 1906 में पहली बार ईस्ट इंडियन रेलवे में स्ट्राइक शुरू हुई। धीरे धीरे के इन्होंने जो है स्ट्राइक्स, आप कह सकते हो कि प्राइसेस के ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्शियसनेस यानी नेशनल गोल के हिसाब से, हाँ, अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन मान के स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और रेलवे यूनियन भी निकल के आया इसी टाइम पे, और जूट मिल्स में भी स्ट्राइक जो है यहाँ पे शुरू हो गई। देखो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना राइटिंग, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। और बाकी बात करें तो और कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जमींदार ने किया, वुमेन ने किया, स्टूडेंट्स ने किया, लोअर मिडिल क्लास ने किया, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है उनको, मुस्लिम्स को कहा था कि हम आपको जो है अलग कंट्री, अलग पार्टीशन करके अलग देश दे रहे हैं, तो आप लोग जो है उसमें थोड़ा सा अलग प्रोविंस दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप शांत रहना। तो ये जो है चीज़ थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर लेते हैं तो देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो देखो, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन में ना काशी विद्यापीठ ओपन हुई, गुजरात विद्यापीठ ओपन हुई और जामिया मिलिया इस्लामिया शुरू हुई, समझ रहे हो। और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिव थे इसमें। ठीक है, अब स्वदेशी मूवमेंट में आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आया था, हालांकि इसमें मैंने लिखा नहीं, तो स्वदेशी मूवमेंट में आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आया था। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम अभी पढ़ रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपका
काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ आई जो कि इन्होंने मिलके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वुमेन की बात करें तो वुमेन ने जो है वो पर्दा छोड़ दिया, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू वुमेन हो, मुस्लिम वुमेन हो। और तिलक फंड निकल के आया, काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हो गया, काफ़ी लोगों ने पैसा जमा जो है यहाँ पे कराया और वुमेन का काफ़ी एक्टिव पार्ट यहाँ पे रहा। कम्युनल यूनिटी की बात करें तो कम्युनल यूनिटी मेंटेन्ड थी और मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे रहा था, मतलब आज तक इससे पहले रहा नहीं और आज और इसके बाद कभी हुआ नहीं। तो इस मूवमेंट में जो है कम्युनल यूनिटी चरम पे थी और सब एकता बनाए रखे थे। गांधी जी मुस्लिम वुमेन को एड्रेस करते थे और मैन को, जबकि अलाउ नहीं था मुस्लिम वुमेन को एड्रेस करने के लिए। और लेबर, और अपन किसकी बात करें अब, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो मिडिल क्लास है बेसिकली वो शुरू में तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन बाद में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। और कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे, कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे में तो पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा। दूसरी बात, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने जो है इस मूवमेंट को थोड़ा सीरियसली नहीं रहा लिया, इन्होंने रिजाइनेशन बहुत कम किए। गांधी जी ने कहा था कि नॉन कोऑपरेट करना है, रिज़ाइन कर देना है, लॉयर हो तो प्रैक्टिस छोड़ दो, सर्वेंट हो तो नौकरी छोड़ दो, और किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कई सारे लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी, गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिजाइनेशन कर दिया, पर इतना नहीं हुआ। तो गांधी जी की बात को सीरियसली नहीं लिया गया, मिडिल क्लास ने सीरियसली नहीं लिया। बिजनेस क्लास की बात करते हैं, देखो वो जगह यहाँ नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। बिजनेस क्लास की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट रहा था क्योंकि स्वदेशी गुड्स की बात हो रही थी और सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, तो बिज़नेस क्लास तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट रही थी। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसेस थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो थोड़ा सा डरे हुए थे कि जो वर्कर्स हैं वो कहीं स्ट्राइक ना कर दें और वर्कर्स तो अपना यूनियन बना के कहीं हमारे खिलाफ़ ना खड़े हो जाए, तो फिर उस प्रॉफिट का भी क्या मतलब जब वर्कर्स ही अगर साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये बात थी। पीजेंट्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे पीजेंट्स का माहौल थोड़ा सा अलग ही रहा क्योंकि पीजेंट्स को एक मौका मिल गया कि उनके जो दो दुश्मन हैं कौन कौन, एक तो लैंडलॉर्ड और एक ब्रिटिश, दोनों पे हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने मना किया था कि क्लास वार के अगेंस्ट हैं हम, लेकिन फिर भी पीजेंट्स को जो है यहाँ पे रोक नहीं सके और पीजेंट्स जो है लड़ाई शुरू हो गई, पीजेंट्स लैंडलॉर्ड ब्रिटिश के बीच में और लोअर और अपर क्लास के बीच में, तो क्लास वार यहाँ पे स्टार्ट हो गया। शायद इसी वजह से भी पार्टिसिपेशन रहा कि लोग आपस में लड़ने लगे। खैर लैंडलॉर्ड्स ने भी बहुत लूटा था पीजेंट्स को, ये ब्रिटिश से कम नहीं थे। तो आगे आते हैं अपन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, अब वुमेंट की, अब इसमें भी अपन स्टूडेंट्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स यूथ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रहा। और वुमेन की बात करें तो वुमेन यहाँ पे अब तक वुमेन्स पार्टिसिपेंट रही थी, पार्टिसिपेंट के तौर पर स्वदेशी मूवमेंट में बाहर निकल के आई, नॉन कॉपरेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई और यहाँ पे पर्दा छोड़ दिया और ख़ुद को बाहर ज़्यादा निकाला, तिलक के साथ रहे और मतलब काफ़ी होता है ना, एक्टिव काफ़ी ज़्यादा रही और सिविल डिसोबीडियंस तक आते आते तो वुमेन लीडर्स बन गई और मूवमेंट के साथ फैमिलियर हो गई। अब इनको अंदाज़ा लगने लग गया कि क्या चल रहा है देश में, किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, कैसे क्या हो रही हैं चीज़ें। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे आके सारी जो लिबरेटिंग हो गई वुमेन, सारी बाधाएं यहाँ पे निकल गई, सीमाएं टूट गई यहाँ पे आके। ठीक है, मुस्लिम्स की बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन लो रहा और लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था वहाँ पे मुस्लिम्स का जो सपोर्ट था काफ़ी ज़्यादा निकल के आया, लेकिन बाकी जगह मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन था वो लो रहा। मर्चेंट्स की बात करें तो मर्चेंट जो है वो बेसिकली एक्टिव थे तमिलनाडु में और पंजाब में, हालांकि इतनी मायने डिटेल यूपीएससी पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी याद रहे तो बेहतर है। और वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास यहाँ पे एक्टिव थे क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी ज़्यादा था ना, तो वर्कर्स भी यूनियन बना सकते थे आराम से भाई, जहाँ पे वर्कर्स बहुत ज़्यादा होंगे, जहाँ पे खुद को ऑर्गेनाइज़ कर सके वहाँ पे एक्टिव भी बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो वर्कर्स भी एक्टिव थे। और ट्राइबल्स की बात करें तो सेंट्रल प्रोविंसेस महाराष्ट्र कर्नाटका में ट्राइबल्स भी एक्टिव हो गए। ट्राइबल्स का नाम अब तक सुना था, अब नहीं सुना ना, तो यानी सिविल डिसोबीडियंस आते आते ट्राइबल्स भी जो है अब अपने को आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। हालांकि ट्राइबल्स तो बहुत पहले से कर दिए थे, रिवोल्ट ऑफ 1857 से कर दिए थे, लेकिन मेन स्ट्रीम में ये ट्राइबल्स अब आने लग गए, सेंट्रल प्रोविंसेस महाराष्ट्र कर्नाटका यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज थे मोस्टली। पीजेंट्स की बात करें तो देखो यूपी बिहार और गुजरात में पीजेंट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे, हालांकि मैं आपको एक बात बता दूँ कि पीजेंट जो है पहले के जितना एक्टिव नहीं रहे, अब पीजेंट्स धीरे धीरे एक्टिव होना बंद हो गए, साथ में मुस्लिम्स भी एक्टिवेट अब होना बंद हो गए
और लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निकल के आई कि कांग्रेस मजबूत हो गई और वुमेन मजबूत हो गई। स्टूडेंट्स ने तो हर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्टूडेंट्स ने तो हर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन पीजेंट्स का कहीं देखने को मिला कहीं देखने को नहीं मिला। कांग्रेस भी स्ट्रांग होती गई धीरे 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 धीरे, और बिजनेस क्लास का भी मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे आगे चल रहा है। अच्छा, पीजेंट्स एक्टिव होना यहाँ पे बंद क्यों हो गए? क्योंकि जो आप कह सकते हो कि पीजेंट्स को एक बात पता चल गई कि हम लड़े किसके खिलाफ, लैंडलॉर्ड क्लास वार के, क्लास वार तो करने नहीं देगी कांग्रेस, और बाकी लोग जो है यहाँ पे सरकार के खिलाफ खड़े हो ही रहे, तो फिर वो प्रोटेस्ट करके क्या कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें थी, हालांकि नॉन कॉपरेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट रहा था पीजेंट्स का और सिविल डिसोबीडियंस में कम रहा था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। और सिविल डिसोबीडियंस की बात करें तो स्टूडेंट्स भी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। स्टूडेंट्स तो हमेशा से प्रोमिनेंट रहे, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट थे, है ना। यहाँ पे आके आके वुमेन भी लीडर बन चुकी थी और वुमेन भी अब फैमिलियर हो गई थी किस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर लेते हैं, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसा कि मैंने कहा, स्टूडेंट्स अब कॉलेज स्कूल हर जगह पार्टिसिपेट होने लग गया, ठीक है। स्टूडेंट्स हमेशा से पार्टिसिपेट कर रहे थे कॉलेजेस के, स्कूल्स के, और गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करने लग गई स्कूल कॉलेजेस की। गर्ल्स पहले वुमेन करती थी, लेकिन अब स्कूल कॉलेजेस की गर्ल्स पार्टिसिपेट करने लग गई। अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली का नाम सुना होगा आपने, ये जो है काफ़ी बढ़िया लीडर थी। और सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, अंडरग्राउंड रेडियो के मामले में नाम सुना होगा इनका, क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था उषा मेहता। तो ये चीज़, ये लीडर्स थिंग का नाम याद रखे क्विट इंडिया मूवमेंट में। वुमेन अब जो है, अब गर्ल्स लीडर बननी शुरू हो गई, समझ रहे हो ना। पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन लीडर बनना शुरू हो गई थी, लिबरेटिंग टाइम था। हमने अभी भी पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन लीडर्स थी, फैमिलियर हो गई थी मूवमेंट के साथ, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गर्ल्स थी वो बाहर आनी शुरू हो गई। अब जो कम उम्र की गर्ल्स थी उनको समझ आने लग गया कि उनका दुश्मन कौन है और बाहर कैसे आना है निकल के। हालांकि सबसे बढ़िया बात क्विट इंडिया मूवमेंट में कम्युनल क्लैशेस बिल्कुल भी नहीं हुए, आपस में लोग लड़े नहीं, हिंदू मुसलमान सब जो है मिलके पार्टिसिपेट किया, और शायद इसीलिए मोस्ट इफेक्टिव मूवमेंट ये रहा। और गवर्नमेंट जो है ऑफिसर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, स्पेशली लो लेवल के, जो लो लेवल के गवर्नमेंट सर ऑफिसर्स थे, इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया, कम्युनल क्लैशेस नहीं हुई और एक्टिविस्ट को शेल्टर दिया गया। तो शक नहीं था आपस में धर्मों के बीच, लोगों के बीच, और गवर्नमेंट और मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर और पब्लिक के बीच। अब गवर्नमेंट ऑफिसर कौन यहाँ पे, यहाँ पे हम इंडियंस की बात हो रही है, इंडियंस अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स में पहुँच गए थे ना, इसलिए ठीक है, अंग्रेज तो करेंगे नहीं। हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो है कम्युनिस्ट ने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म में बहुत फ़र्क होता है, ध्यान रखना, कम्युनलिज्म बहुत फ़र्क होता है। क्विट इंडिया में कम्युनलिज्म देखने को इतना नहीं मिला, कम्युनल क्लैशेज इतनी नहीं हुई, लेकिन कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। अब इसका रीज़न मैं भूल रहा हूँ, वर्कर्स की वजह से कोई दिक्कत थी, मैं भूल रहा हूँ कम्युनिस्ट ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कम्युनिस्ट ने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, शायद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में शायद ब्रिटिश ने कोई इंटरनेशनल इक्वेशन थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्यों ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, इंपेरियलिस्ट वार अब पीपल का वार बन गई, लोगों की अब लड़ाई बन गई थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इसे अपोज किया, ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन रहा लेकिन मुस्लिम लीग ने अपोज किया, हाँ देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट में कम्युनल क्लैशेज नहीं हुई, मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया लेकिन मुस्लिम लीग ने अपोज किया, और सारे मुस्लिमों को मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट नहीं करती। मुस्लिम लीग का मतलब ये नहीं है कि सारे मुस्लिम इसके अंदर आ गए, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भले ही अपोज किया हो लेकिन सबने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। हिंदू महासभा ने इस मूवमेंट को बायकट कर दिया, हिंदू महासभा ने बायकट कर दिया, मुस्लिम लीग ने अपोज कर दिया, और प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वुमेन ने किया, यूथ ने किया, वर्कर्स ने किया, वर्कर्स ने भी स्ट्राइक पे आके जो है यहाँ पे किया, कम्युनिस्ट ने नहीं किया पार्टिसिपेट, मुस्लिम लीग ने नहीं किया, हिंदू महासभा ने नहीं किया, प्रिंसली स्टेट्स ने नहीं किया, वर्कर्स ने किया, स्कूल गर्ल्स ने किया, वुमेन ने किया, गवर्नमेंट ऑफिसर ने किया, सब ने किया, लीडर्स निकल के आई, गर्ल्स लीडर्स, स्कूल कॉलेज गर्ल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट रहा, ठीक है। तो आई होप ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया हो, इनको शायद आप उतार सकते हो अब कॉपी में, और कोई भी चीज़ें तो ऐड करते रहना, तो ये इतनी स्पेस ही मत छोड़ देना जितनी मैंने करी है, कुछ और भी मिले तो इसमें ऐड करती जाना, ठीक है। चलिए, रखता हूँ मैं, अब बात करते हैं बाद में, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, ठीक है।